अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 14 फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड, फिट एंड फाइन इन दिस कंडीशन। अब तो माशाल्लाह से कंट्री के हालात भी ठीक हो गए हैं, तो अपनी स्टडी को जो है आप लोग कंटिन्यू करें और अच्छी तरह से जो आपको करवाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये जो आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं स्टैट्स के क्लास, ये आप लोगों को सिवाय प्रैक्टिस के नहीं आ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स नाम ही प्रैक्टिस का, जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो क्लास, हम लोगों ने जो आपका लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 13 स्किप किया था, जहाँ पर हमारा टॉपिक वो क्या था, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स, यानी हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रोसीजर पढ़ रहे थे फॉर द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स के लिए। अब लेक्चर नंबर 14 में मैं उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ 16.20, इसको पढ़ लेते हैं बुक से एक दफ़ा, फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिस करते हैं। ओके, आपका 16.20 क्वेश्चन जो है, लेट मी फोकस, ये देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। द टू सैम्पल्स ए एंड बी डिटेल्ड बिलो वर टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5, डिसाइड वेदर द डिफरेंस ऑफ सैम्पल मीन्स इज सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जिसमें आपको डाटा ए दे दिया गया है, सैम्पल ए का डाटा दिया गया है और सैम्पल बी का डाटा दिया गया है। फिर देखें आप लोग गौर से, 16.20 क्वेश्चन में आपको दो सैम्पल दिए गए हैं और बता दिया गया है वर टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशंस ऑफ इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5। अच्छा, ये देखें, हम लोग जब डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स के क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें केस वन क्या होता है, केस वन क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि केस वन के क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करने हैं। सो जो आपका केस वन होता है क्लास, उसमें आप लोगों को बता दिया जाता है डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स के लिए। केस वन में आपको बताया जाता है कि जो आपकी दोनों आपके सैंपल्स हैं, सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशंस, यानी जो आपके पॉपुलेशंस होती हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिनसे आपके सैंपल जो हैं वो लिए जाते हैं। ओके, जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशंस होती हैं जिनसे आपके सैंपल लिए जाते हैं, तो वो केस वन होता है फॉर द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स। और सेकेंड होता है द सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नॉन। और दूसरा केस क्या होता है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो होते हैं वो नॉन होते हैं आप लोगों के पास, मतलब केस 1 में ये दो आपके कंडीशंस होती हैं। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपके जब नॉन होंगे, पॉपुलेशन आपकी सैंपल्स आपके नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए जाएंगे, लेकिन समटाइम केसेस क्या होते हैं कि आपके क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि सिग्मा 1 इक्वल होता है सिग्मा 2 के, जिसको ओनली सिग्मा कह दिया जाता है। यानी जब आप लोगों के जो नॉर्मल पॉपुलेशन से आप लोग सैंपल्स लेते हो, तो उसमें इन मोस्ट केसेस आपके पास सिग्मास इक्वल होते हैं, यानी सैंपल पॉपुलेशन 1 का सिग्मा, पॉपुलेशन 2 का सिग्मा इक्वल होता है, एक की उसकी वैल्यू होती है। तो जब इक्वल होते हैं हमारे पास, तो हम लोग केस 1 में चले जाते हैं। और केस 1 में आप लोगों ने ये तीन कंडीशंस पढ़ ली, इन तीन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक जो यूज़ करते हैं वो जी होता है। जी का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस 0 डिवाइड बाई सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर एन 1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर एन 2 का होल स्क्वायर रूट। तो जब पॉपुलेशन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स हम लोग करेंगे, तो आप लोगों के केस 1 का फॉर्मूला हमेशा ये यूज़ किया जाएगा, जिसकी ये तीन कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब आप लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा आपकी बुक में, मैं उसको आपके सामने डिस्प्ले करती हूँ। ओके, ये आप लोगों की बुक शेर मोहम्मद चौधरी का क्वेश्चन है, 16.20 क्वेश्चन है,
जिसमें आप लोगों को दो सैंपल दे दिए गए हैं और बता दिया गया है ये सैंपल जो है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनका एक स्टैंडर्डाइजेशन है 2.5। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है वेदर द डिफरेंस ऑफ द सैंपल मीन्स इज सिग्निफिकेंट, यानी इन दोनों सैंपल मीन्स का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब सिग्निफिकेंट का वर्ड या रिगार्डेड का वर्ड यूज हो जाता है तब आप लोग टू टेल टेस्ट हमेशा करोगे, तो यहाँ पर आप लोग टू टेल टेस्ट करोगे। अब मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन बताने जा रही हूँ, क्वेश्चन आप लोगों ने गौर से पढ़ लिया होगा, एक दफा फोकस कर लें आप लोग क्वेश्चन पे। मैं इसकी स्टेटमेंट फिर दोबारा पढ़ देती हूँ ताकि जब आप लोग सॉल्व कर रहे हो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में। द टू सैंपल्स ए एंड बी डिटेल्ड बिलो वर टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन 2.5, डिसाइड वेदर द डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन इज सिग्निफिकेंट एट द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें आपके पास दो सैंपल ए और बी दे दिए गए हैं। ओके, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। सो जब आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है इसको पढ़ लेना है, इसको कैसे सॉल्व करना है अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। ये केस वन का आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन है जिसमें आपके पास ये तीनों कंडीशन दे दी गई हैं। सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, द स्टैंडर्डाइजेशन सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर नॉन एंड सिग्मा वन एंड सिग्मा टू इज इक्वल्स टू सिग्मा, यानी इसमें एक ही आपके पास सिग्मा की वैल्यू दे दी गई है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है, मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है इसका सोल्यूशन आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर दिया और लिखा कि डेटा में आपको क्या दिया गया है, तो आप लोग देखेंगे डेटा में आपको क्या दिया गया है, सैंपल ए दे दिया गया है, सैंपल बी दे दिया गया है। आप डेटा के अंदर तमाम वैल्यूज ना भी लिखेंगे जरूरी नहीं, बस आपने मेंशन करना है कि आपको डेटा के अंदर दिया क्या क्या है। सैंपल ए और सैंपल बी दो सैंपल दिए गए हैं जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनका सिग्मा जो है वो 2.5 के इक्वल है। आप लोगों ने म्यू वन यानी डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मींस सिग्निफिकेंट है ये नहीं है ये डिसाइड करना है, तो क्या लिखोगे, म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो। अब सबसे पहला आपका स्टेप होता है कि आप हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट करते हो। हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए सबसे पहले आप नल हाइपोथेसिस लिखोगे एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो एंड H1 म्यू वन माइनस म्यू टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने आपको पहले कहा जब सिग्निफिकेंस का वर्ड यूज हुआ है कोई भी लेस देन इक्वल का आपकी कंडीशन नहीं दी गई है, तो आपका जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का फर्स्ट स्टेप होगा यानी हाइपोथेसिस जनरेशन में वो टू टेल टेस्ट आप लोग क्रिएट करोगे यानी इक्वल और नॉट इक्वल। देन आप लोगों को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बता दिया गया है अल्फा जो कि किसके इक्वल है 0.05 के। थर्ड आपका स्टेप होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक का। टेस्ट स्टैटिस्टिक आप लोगों ने आपके केसेस के ऊपर डिसाइड करना होता है, चूंकि क्वेश्चन में केस वन है डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन के लिए, तो आपका ये वाला जी टेस्ट यूज होगा। जी इज इक्वल टू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस जीरो डिवाइड बाई सिग्मा वन स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर ओवर एन टू का होल स्क्वायर रूट। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सोल्यूशन की तरफ। हम लोग सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे, तो ये स्टेप्स जब आप लोगों ने कर लिए अब आप लोगों ने जो है नेक्स्ट स्टेप लिखना होता है कैलकुलेशन का। ये देखें टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखने के बाद आप लोगों ने कैलकुलेशन लिखी। कैलकुलेशन चूंकि आप लोगों के पास जो डेटा गिवन है ए और बी सैंपल, इसमें आप लोगों के मीन्स आप लोगों को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खुद निकालने पड़ेंगे। ये देखें एक्स बार वन और एक्स बार टू आपको खुद निकालना पड़ेगा, सिग्मा वन सिग्मा टू आप लोगों को बता दिया गया है। तो एक्स बार वन और एक्स बार टू निकालने के लिए आपको जो सैंपल आपकी बुक में दिए गए हैं ये देखें उसको आप लोगों ने निकालना है। आप लोगों को पता है कि x बार 1 या x बार 2 का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा x बार का फॉर्मूला होता है समेशन x ओवर n। तो जो सैंपल 1 के लिए होगा समेशन x1 ओवर n1 होगा और जो सैंपल 2 के लिए होगा समेशन x2 ओवर n2 होगा। ओके, सो आप लोगों ने कैलकुलेशन में क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप होगा कि आप लोगों ने फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स बार वन और एक्स बार टू निकालना है। एक्स बार वन का मतलब है कि सैंपल ए का एक्स बार और एक्स बार टू का मतलब है सैंपल बी का एक्स बार। ये देखें ये इनके फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं। अब चले हम लोग क्या करते हैं इनके एक्स बार को की वैल्यू निकालते हैं। एक्स बार की वैल्यू निकालने के लिए बुक में देखें डाटा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो अपने कैलकुलेटर पे डायरेक्ट डाटा टाइप करके तो एक्स बार निकाल सकते हो। पहला आपका एक्स बार कैसे फाइंड होगा, समेशन एक्स ओवर एन, तो आप लोग सैंपल ए की वैल्यूज़ को ऐड करो, यानी सबसे पहले आ रहा है 16 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 26 प्लस 19 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 23 प्लस 21 प्लस 22
ये आपका आंसर आ गया 217। इसको डिवाइड करते हैं, आप लोग टोटल नंबर काउंट कर लें कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर्स हैं आप लोगों के पास। तो आप लोगों ने 10 के ऊपर इसको डिवाइड कर देना है, यानी एन वन आपके पास 10 के इक्वल है। ये देखें आपके पास वैल्यू क्या आई थी, 217 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ गया x बार 1 का 21.7। लुक एट दिस, आप देख सकते हो गौर से, ठीक है। अब हम लोगों ने x बार 2 निकालना है, यानी सैंपल b के लिए x बार निकालना है, सेम वही काम करेंगे। अब हमारे पास जो डाटा गिवन है, लेट मी फोकस, हम इसको टाइप करते हैं। ओके, 20+21+23+25+25+27+24+26+24+28। ये देखें ये आपके पास डाटा मैंने टाइप किया जो आपके सैंपल बी में गिवन था, इक्वल प्रेस किया, 243 आंसर आया। लिखते हैं यहाँ पर 243 डिवाइड बाय 10, आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 24.3। तो x बार 1 और x बार 2 का आंसर आप लोगों के पास आ गया। अब हम लोगों ने z के फॉर्मूले में जो है वो वैल्यूज पुट करनी है। z आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप लोग वैल्यूज पुट करें, x बार 1 आप लोगों के पास आया 21.7 और x बार 2 आपके पास आया 24.3, और माइनस आप लोग जीरो से करोगे क्योंकि डिफरेंस जीरो के इक्वल है, और स्क्वायर रूट सिग्मा वन और सिग्मा टू एक ही हैं आप लोगों के पास, तो आप लोग उसे कॉमन भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग कॉमन लेकर भी लिख सकते हो, क्योंकि सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर अगर एक होगा तो उसको कॉमन लेंगे तो सिग्मा बाहर आ जाएगा आपके स्क्वायर रूट से। तो सिग्मा की वैल्यू आप लोगों की बुक में क्या गिवन है देख लेते हैं, सिग्मा की वैल्यू 2.5 गिवन है, तो लिखें आप लोग 2.5। ये स्टेप आप देख लें मैंने क्या किया है, सिग्मा की ए की वैल्यू थी, चूँकि वो सिग्मा वन सिग्मा टू इक्वल थे तो 2.5 मैंने कॉमन लेकर लिख दिया। अब 1/n1 10+1/n2 10, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, देखें सबसे पहले आप लोगों ने डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट लिखें, 10 का आप लोग इनवर्स लिख सकते हो, आई जस्ट फॉरगेट वेयर इज द इनवर्स वैल्यू, ओके चल ऐसा करें आप लोग इनवर्स ना लिखें तो 1/10 करते हैं, 1/10 किया आप लोगों ने तो आंसर आप लोगों के पास आ गया 0.1। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट 0.1+0.1, आंसर आ गया 0.447। इसको मल्टीप्लाई कर दें 2.5 के साथ, आपके डिनोमिनेटर का आंसर आ गया 1.118। के न्यूमिरेटर में आप लोगों ने मीन्स को सब्ट्रैक्ट करना है, 21.7 को सब्ट्रैक्ट करना है -24.3 से, तो आप लोग इन्हीं स्टेप्स पे करें, इसको 24.3 से सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया आप लोगों के पास -2.6, ठीक है। तो -2.6 को डिवाइड किया 1.118 पे, तो आंसर आ गया आप लोगों के पास -2.32 आंसर आपकी z की वैल्यू का आ गया, ठीक है। z कैलकुलेटर आपके पास -2.32 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है वो देखें, मैं ज़रा बोर्ड को रेज कर लूँ फिर उसके बाद आपको बता। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, नेक्स्ट स्टेप होता है क्रिटिकल रीजन का। तो क्रिटिकल रीजन आप लोगों के पास टू टेल टेस्ट है, चूँकि नॉट इक्वल है तो z मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फा बाय 2 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होता है z मॉड का, कि अगर आपकी z कैलकुलेटेड वैल्यू प्लस होती है तो आपका यही साइन रहता है, लेकिन अगर माइनस होती है, चूँकि आपके पास आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू z कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई है आप लोगों के पास -2.32। आप देख सकते हो यहाँ पर कैलकुलेटर में भी आंसर होगा डिस्प्ले,
ठीक है, -2.32 आपका आंसर आया है। तो चूंकि ये माइनस है तो मॉड आपका कन्वर्ट होकर ये लेस देन में वैल्यू हो जाएगी, और लेस देन में z अल्फा बाय 2 है, z अल्फा बाय 2 हो जाएगा 0.025, क्योंकि अल्फा आपके पास किसके इक्वल था, 0.5 के। अब जब आप लोग इसे बुक से डायरेक्ट देखोगे टेबल वैल्यू, तो आपके पास ये आ जाएगी 1.96, -1.96, क्योंकि आप लोग माइनस के लिए सॉल्व करने जा रहे हो अब इसको। तो ये हो जाएगा 2.32, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना है, -2.32 लेस देन है -1.96 से, इसको आपने कंफर्म करना है। चूंकि नंबर लाइन में जो माइनस की वैल्यू बड़ी होती है उसको हम छोटा कहते हैं, तो ये डेफिनेटली छोटी है, तो इसका मतलब हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में लाई कर गई है। सो अब आप लोगों ने कंक्लूजन क्या लिखना होगा, यहाँ पर लास्ट पे जाके डिसीजन या कंक्लूजन लिखते हैं। चूंकि लिखा हुआ था डिसाइड वेदर द डिफरेंस बिटवीन मीन्स आर सिग्निफिकेंट, तो आप लोगों ने ये डिसाइड करके बताना है, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू लाई इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस एच नॉट एंड इट इज डिसाइडेड that there is significant difference between population means म्यू वन माइनस म्यू टू। सो आप लोगों ने एक्सेप्ट किया अल्टरनेटिव, तो ये आप लोग लिख सकते हो। फिर देख लें आप लोग, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, चूंकि हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो लाई कर दी क्रिटिकल रीजन में, तो हम लोगों ने इसको डिसाइड किया, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू लाई इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस एच नॉट and it is decided that there is a significant difference between population means, यानी हम population means के difference को ही check कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या है कि population means में difference exist करता है। तो ये आप लोगों का हो गया एक question, जिसमें आप लोगों ने two tail test के जरिए difference between population means की testing की। सो अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.20%, आप लोगों ने खुद जो मैंने भी आप लोगों को सॉल्व करवा दिया, इसके ऊपर आप लोगों के 16.19 और का वन एंड बी पार्ट है, ए और बी पार्ट है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, केस वन के साथ ही हैं तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा। अब आते हैं आप लोगों के 16.21 क्वेश्चन की तरफ, इसको भी रीड कर लेते हैं। एन एग्जामिनेशन वाज गिवन टू टू क्लासेस ऑफ 40 एंड 50 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली, यानी यहाँ पर बता दिया गया है कि आप ये एक एग्जामिनेशन, दो क्लासेस में एग्जामिनेशन हुआ, जिसमें क्लास वन में आपके 40 स्टूडेंट्स है, ये देखें मैं फोकस कर दूँ इसको, 40 स्टूडेंट्स थे, और क्लास टू में आपके 50 स्टूडेंट्स थे। आपकी फर्स्ट क्लास में जो मीन ग्रेड था वो 74 था, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 8 था, जबकि सेकंड क्लास में आपका मीन ग्रेड 78 था और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 7 था। अब लिखा हुआ है इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन ग्रेड्स, यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है ये नहीं करता है, आप लोगों ने डिसाइड करना है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इसके लिए पहले डेटा आप लोगों को लिखना होगा, डेटा लिखने के बाद आप लोगों ने इसका हाइपोथेसिस जनरेट करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक बताना है क्या होगा एंड सो ऑन। चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जब आप लोगों के क्वेश्चन को अगर मैं शुरू करती हूँ सॉल्व करना, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन वाज गिवन टू टू क्लासेस 40 एंड 50 स्टूडेंट्स, यानी आपके पास क्या है डाटा,
देखें 16.21 क्वेश्चन है जिसमें डाटा आप लोगों को क्या गिवन है। डाटा आप लोगों को गिवन है जी, आपको N1 जो है वो 40 स्टूडेंट्स दिए गए हैं और N2 आप लोगों को 50 स्टूडेंट्स दिए गए हैं। देन आप लोगों को बता दिया गया है फर्स्ट क्लास में मीन ग्रेड क्या है, यानी X bar 1 आप लोगों के पास क्या है 74 विद स्टैंड डेविएशन, यानी इसका स्टैंड डेविएशन S1 भी दे दिया गया है, वो किसके इक्वल है इसी सैंपल का, वो 7 के इक्वल है, 8 के इक्वल है, ठीक है। देन आपको X bar 2 बता दिया गया है, इसी क्वेश्चन में X bar 2 आप लोगों के पास क्या है 78 और इसी का आप लोगों को, इसी सैंपल का आप लोगों को जो स्टैंड डेविएशन दिया गया है वो दिया गया है 7। अब कहा गया है कि आप लोगों ने सिग्निफिकेंस डिफरेंस जो है वो बताना है, एग्जिस्ट करता है ये नहीं करता है। तो जब ये डेटा आप लोग लिख लोगे तब आप लोगों ने हाइपोथेसिस सबसे पहले जनरेट करना होता है, तो हाइपोथेसिस देखें क्या होगा, एच नॉट μ1 - μ2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी आपको कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस के बारे में, आपको इक्वल नॉट इक्वल के बारे में नहीं बताया गया, तो H1 आपके पास क्या होगा μ1 - μ2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, टू टेल टेस्ट होगा। देन अच्छा टू टेल टेस्ट क्यों होगा फिर सुन ले, जब आप लोगों को सिग्निफिकेंट डिफरेंस का बोल दिया जाएगा तो आपने हमेशा टू टेल यानी इक्वल नॉट इक्वल का साइन यूज़ करना है। होप सो आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हाइपोथेसिस कैसे जनरेट करते हैं ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको काफ़ी बताया हुआ है। हाइपोथेसिस लिखने के बाद देन हमारा काम होता है कि हम लोगों ने टेस्ट स्टैटिस्टिक अपना डिसाइड करना होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला लिखना होता है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या होगा, लुक एट दिस, हम लोग लिखेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक Z। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पास N1 भी ग्रेटर देन 30 है, N2 भी ग्रेटर देन 30 है, ठीक है। ये केस 1 नहीं है, ये याद रखें क्लास, ये केस 1 नहीं है, क्योंकि N1 भी आपका ग्रेटर देन 30 है, N2 भी आपका ग्रेटर देन 30 है, और S1 आपको दे दिया सैंपल स्टैंड डेविएशन, S1 दे दिया गया सैंपल स्टैंड डेविएशन, S2 दे दिया गया है, और पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। जब ऐसा केस होगा तब भी आप लोग जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे, बट आप लोगों ने लिखना है बाय यूजिंग द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारा सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 होता है दोनों सैंपल्स का, तो आप लोग जी टेस्ट को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा X bar 1 - X bar 2 - 0 डिवाइडेड बाय S1 square over N1 प्लस S2 square over N2। लिख लिया आप लोगों ने फॉर्मूला, इस Z फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अब आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन इन्हीं जो आपको डाटा में गिवन है चीज़ें इन्हीं को आप लोगों ने फॉर्मूले में पुट करना है। तो लेट्स स्टार्ट, आप लोगों का अब कैलकुलेशन का स्टेप आ गया, कैलकुलेशन में आप लोगों ने जस्ट अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। देखें फॉर्मूला आपके पास क्या है, X bar 1 - X bar 2 - 0 डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ S1 square over N1 प्लस S2 square over N2। एक्स बार वन आप लोगों के पास क्या है जी 74 के इक्वल है, एक्स बार टू आप लोगों के पास क्या है 78 के इक्वल है, ठीक है। माइनस ज़ीरो डिवाइड करना है आप लोगों ने S1 square over N1 से, तो S1 square आप लोगों के पास क्या है 8 का square over N1 आपके पास क्या है 40 प्लस S2 आप लोगों के पास क्या है 7, तो 7 का square over N2 आप लोगों के पास क्या है 50। ओके तो अब आप लोग इसी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। 8 का square डिवाइडेड बाय 40 क्या आंसर आता है 1.6, ठीक है, और 7 का square डिवाइड बाय 50 क्या आंसर आता है 0.98, इसको प्लस कर दो 1.6 से, आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से मैंने प्लस किया है, तो आंसर आ गया 2.58। तो आप लोगों ने डिनोमिनेटर में लिखना है 2.58 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और न्यूमिरेटर में आपके पास क्या आना चाहिए इसका, चूंकि स्क्वायर रूट लेना हम लोग ले लेंगे 74 - 78 आंसर आ गया -4, न्यूमिरेटर में -4 आ गया। अब नेक्स्ट आप लोगों का स्टेप होगा
2.58 का आपने स्केयर रूट लेना है, 2.58 का स्केयर रूट लिया, ठीक है, आंसर आ गया 1.60623। देख रहे हो आप लोग, फोकस कर लूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने 4 डिवाइडेड बाय 1.606 पे डिवाइड किया तो आंसर आप लोगों के पास आ गया 2.49। तो आंसर क्या आ गया जी कैलकुलेटेड वैल्यू का 2.49, ठीक है, माइनस 2.6 क्योंकि आपके पास ये माइनस है, माइनस 2.49 आपका आंसर हो गया जी कैलकुलेटेड वैल्यू का। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, क्रिटिकल रीजन डिसाइड करना है इसका और डिसीजन देना है। तो क्रिटिकल रीजन आप लोग कैसे डिसाइड करते हो, चूंकि ये टू टेल टेस्ट है तो लिखोगे क्रिटिकल रीजन, आप लोग कंप्लीट क्रिटिकल रीजन लिखना, ठीक है। लिखा आप लोगों ने क्रिटिकल रीजन, तो क्रिटिकल रीजन आप लोगों के पास क्या होगा, जी कैलकुलेटेड मॉड, चूंकि टू टेल टेस्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जी अल्फा बाय टू। अब चूंकि जी कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास माइनस 2.49 है तो लिखोगे माइनस 2.49 और माइनस की वैसे ही इनइक्वालिटी साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा और जी अल्फा बाय टू, चूंकि यहाँ पर अल्फा आप लोगों के पास 0.05 के इक्वल है तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, टेबल वैल्यू 1.96 आप लोग डायरेक्ट चार्ट से देख सकते हो, तो माइनस की वैल्यू आप लोग लोगे तो 1.96, यहाँ पर माइनस 2.49 डेफिनेटली लेस देन है, माइनस में है ना, तो ये लेस देन है माइनस 1.96 से, तो इसका मतलब ये क्रिटिकल रीजन में लाई कर गई। अब आप लोगों ने डिसीजन क्या दे देना है, देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मींस बिकॉज आवर कैलकुलेटेड वैल्यू लाई इन द क्रिटिकल रीजन। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को डिसीजन का जो आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखनी होती है उसमें भी आप लोग कभी गलत नहीं आप लोगों ने लिखनी, उसके भी आपके पूरे 2 नंबर होते हैं। तो अब आप लोगों ने कंक्लूजन या डिसीजन दोनों में से कुछ भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। अब आप लोगों ने कंक्लूजन लिखा, सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू लाई इन द क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस एच नॉट That is equals to mu 1 minus mu 2 is equals to 0 and we decide that there is a significant difference, yani difference 0 ke equal nahi hai. So there is a significant difference between population means mu 1 minus mu 2. Okay? So ये आप लोगों का decision हो गया, ये statement भी as much as important जैसे आप लोगों के बाकी steps हैं ये testing के। तो ये statement का भी आप लोग देख लें किस तरह से हम लोग ये statement लिखते हैं और क्या होती है हमारे पास स्टेटमेंट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, इंपॉर्टेंट था ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाले जो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स के क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये हो गया, अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को बाकी आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन जो है वो बता देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करना है ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। ये देखिए आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन के जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ओके क्लास। सो अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 16.22 क्वेश्चन करना है, एक एक क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है। 16.22 क्वेश्चन क्या है, मैन्युफैक्चरर सस्पेक्ट्स आर डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द स्पेयर पार्ट्स ही रिसीव्स फ्रॉम टू सप्लायर्स। He obtains the following data on the service life of random sample of parts from two suppliers. अच्छा, अब आप लोगों को दो सप्लायर दिए गए हैं A एंड B, जिसमें आप लोगों के नंबर ऑफ सैंपल क्या है N150 and 200, जिसका मीन्स x बार 1 आपको
150 दिया गया है, एक्स बार टू 153 दिया गया है, स्टैंड डेविएशन आपको 10 दिया गया है और 5 दिया गया है, टेस्ट वेदर द डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल मीन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एट द 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब आप लोगों ने क्या है, टेस्ट कर देना है डिफरेंस बिटवीन को और सिग्निफिकेंट बताना है, यानी म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल्स टू जीरो का आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ये आप लोग खुद करोगे। ओके जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 16.23 का ए पार्ट। अ सिंपल सैंपल ऑफ हाइट्स ऑफ 6400 इंग्लिश मैन हैज अ मीन ऑफ 67.85 इंचेस एंड स्टैंड डेविएशन ऑफ 2.56 इंचेस, व्हाइल अ सैंपल ऑफ हाइट्स ऑफ 1600 ऑस्ट्रेलियंस हैज अ मीन ऑफ 68.55 इंचेस एंड स्टैंड डेविएशन ऑफ 2.52 इंचेस। डू द डेटा इंडिकेट that Australians are on the average taller than the Englishman. So आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हम लोगों ने claim उन्होंने कर दिया कि हम लोगों ने क्या decide करना है, Australians जो हैं वो average wise taller हैं Englishman से। तो आप लोग देख लें यहाँ पर आप लोगों ने क्या hypothesis generate करना है 16.23 के A part में आप लोगों ने लिखना होगा, ये देखें H not और H1 16.23 के A पार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, H1 को बनाते हैं, चूँकि आप लोगों को बता दिया गया है कि ऑस्ट्रेलियंस आपके नंबर वन के अगर मींस हैं तो कहा गया है म्यू वन जो है वो टॉलर देन है म्यू टू से, ठीक है, यही आपको बताया गया है। और यहाँ पर आप लोग इसका अल्टरनेट कर लोगे म्यू वन लेस देन म्यू टू, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों आप लोगों ने बना लिए कि जो भी आप लोगों को डिसाइड करने के लिए दिया जाता है उसको हम लोग अल्टरनेटिव में रखते हैं। यहाँ पर फिर देखें लिखा गया है इंडिकेट दैट ऑस्ट्रेलियंस आर ऑन द एवरेज, यानी उनकी जो एवरेज है टॉलर देन है इंग्लिश मैन से। तो ऑस्ट्रेलियन को अगर हम म्यू वन कहते हैं और इंग्लिश मैन को म्यू टू कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने अल्टरनेटिव में रखा म्यू वन टॉलर देन म्यू टू एंड म्यू वन लेस देन म्यू टू, क्योंकि हम लोग जो भी क्लेम होता है उसे अल्टरनेटिव में रखते हैं, ठीक है, रख लिया। अब इसको आप लोग मज़ीद जो है इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, म्यू वन माइनस म्यू टू लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो, म्यू वन माइनस म्यू टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, ये आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये आप लोगों का हो गया हाइपोथेसिस किसका, 16.23 के ए पार्ट का। अब बी पार्ट देखें, ये क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करना है, बाकी आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूला आप लोगों को केस टू का भी बता दिया है मैंने। बी पार्ट है पोटेंशियल बायर ऑफ लाइट बल्ब्स बाउट 50 बल्ब्स ऑफ ईच ऑफ टू ब्रांड्स, अपॉन टेस्टिंग द बल्ब्स ही फाउंड दैट ब्रांड ए हैड अ मीन लाइफ ऑफ 1282 आवर्स विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 80 आवर्स, वेयर एज ब्रांड बी हैड अ मीन लाइफ ऑफ 1208 आवर्स विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 94 आवर्स, कैन द बायर बी क्वाइट सर्टेन दैट द टू ब्रांड्स डू डिफर इन क्वालिटी। यहाँ पर बस ये बता दिया गया है कि डिफर करते हैं ये नहीं करते हैं, तो म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो कर लोगे, बाकी आप लोग डाटा खुद नोट कर सकते हो। सो बाकी 16.24 का जो क्वेश्चन है जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16.24 तक आपने डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, देन हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, और उसके लिए भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।